और रिपीटेटिवली एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, जितना टाइम आप क्वेश्चन पे दोगे उतना ही कम टाइम आपको आंसर पे सॉल्व करने में लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया है, आपका 50% सॉल्यूशन वहीं पे आ जाता है, बाकी का 50% लिखने से आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे घाई करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसमें फिर क्या हो जाता है, हम लोगों से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाती है, हिडन एडजस्टमेंट्स मिस हो जाती है। फिर जब हम लोग उसको एक्चुअली में लिखने जाते हैं आंसर को, वो टाइम पे फिर वो हिडन एडजस्टमेंट्स हम लोगों को दिखती है और वहाँ पे हम लोग स्टक हो जाते हैं। वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, आपको आधे आधे में आंसर छोड़ते जाने पड़ते हैं। वो गलती मत करो। आप में से बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स में थ्योरी छोड़ के जाते हैं, बोलेंगे थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, गलती कर रहे हो। थ्योरी इज योर लाइफ सेवियर। क्यों? क्योंकि थ्योरी का टॉपिक एक ऐसा है जहां पे आप अपने मर्जी से आंसर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। टाइम कम है, आंसर छोटा लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग्स लिख देंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, लेंथ कम देंगे। टाइम है अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, पॉइंट्स के अंदर हम लोग मैटर अच्छे से लिखेंगे। पर आप ये सेम चीज़ सम के साथ नहीं कर सकते हो ना। मेरे पास अगर सपोज लास्ट में लेट से 440 हो गया है, 20 मिनट्स पड़े हैं और मेरा 16 मार्क्स का पेपर बाकी है, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक या तो मैं 16 मार्क्स का सम करूं या तो 16 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करूं। थ्योरी अटेम्प्ट करना ज़्यादा वाइज डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि 16 मार्क्स का सम करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए था, 32 मिनट्स। आपके पास है कितना, 20 मिनट्स। आप अगर 16 मार्क्स का सम अटेम्प्ट करने जाओगे, सपोज एनपीओ का सम है, तो आपका या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट रह जाएगा, या तो वर्किंग्स बनेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों टैली करना रह जाएगा। बट आप थ्योरी को, थ्योरी के जो चार सब क्वेश्चंस होंगे उनको आप इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेंथ को कम करके। आई बात समझ में? जहां पे मैं बोल रहा था कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, समझो आप लोगों की, दो बार ट्राई करो, नहीं हुआ छोड़ दो, ठीक है, लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो। अच्छा, अगर लास्ट में भी सपोज टैली करने का टाइम नहीं है, एक ट्रिक करो, जो एसेट साइड का टोटल आ रहा है वो दोनों बाजू लिख दो। क्योंकि बहुत बार हम लोगों का जो मिस्टेक होता है वो लायबिलिटी साइड में होता है, क्योंकि प्रॉफिट घूम के लायबिलिटीज़ में ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है। तो हम लोगों का ट्रेडिंग या पीएनएल के वजह से जो इम्पैक्ट आता है, कैपिटल गलत हो जाता है, जिसकी वजह से लायबिलिटी साइड टैली नहीं होता है। तो आप बिंदास एसेट साइड का टोटल दोनों साइड लिख लो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एसेट साइड हमेशा राइट होता है, बट देर आर मेजर चांसेस कि आपका लायबिलिटी साइड में गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। लॉ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर आंसर लिखें कैसे, आंसर आपको पता है पर लिखें कैसे, स्ट्रक्चर है आंसर का। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हम लोगों का जो लॉ में आंसर, मुझे मैंने क्वेश्चन पढ़ा वो आंसर मुझे आ रहा है एग्जैक्टली क्या उसका डिसीजन होना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, स्टार्टिंग में डिसीजन लिख दो। डिसीजन लिख दिया, उसके बाद प्रोविजंस लिखो एक्ट के, जिन प्रोविजंस के बेस पे आप अपना डिसीजन ले रहे हो। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में केस दिया हुआ है उसके फैक्ट्स लिखो और उन फैक्ट्स को प्रोविजंस के साथ कनेक्ट करो। लास्ट में वापस से आंसर लिख दो, कंक्लूजन, हेंस दिस एक्ट इज रॉन्ग और दिस पर्सन इज गिल्टी, ही इज नॉट लायबल फॉर कंपनसेशन, लास्ट में वापस लिख दो। और अगर मैं आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ऊपर जो पहले पहले डिसीजन बोला ना लिखने के लिए, उस पार्ट को स्किप करके बाकी पूरा आंसर सेम लिखोगे। आप पास्ट के दो अटेम्प्ट के सजेस्टेड पढ़ के जाओ, देखो इंस्टीट्यूट आपसे आंसर कैसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लॉ में, सजेस्टेड आंसर्स में इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं, जो आपके पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, उसमें उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जो आपके सेक्शन से डील करता है लॉ के। आपको डाउट होता है कि सर लॉ में सेक्शन लिखें या लिखना कंपलसरी है क्या, तो उस पर इंस्टीट्यूट का बोलना है कि अगर आपको सेक्शन प्रॉपरली याद है तो लिखो। नो डाउट प्रॉपर सेक्शन लिखने की वजह से मार्क्स मिलती है, मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा, पर अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, आपने गलत सेक्शन कोट किया, तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा, आपकी मार्क्स कम हो जाएंगी। प्रॉपरली याद है तो लिखो, याद नहीं है तो मत लिखो, गलत सेक्शन मत लिखो, गलत सेक्शन लिखना आपके मार्क्स को कम कर देगा। क्या बोल रहा हूँ, आपका आंसर पेपर आपका एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेशन है, आप उससे बात कर रहे हो अपने आंसर पेपर के थ्रू। तो अगर आप उससे ऐसी लैंग्वेज में बात करोगे जो उसे समझ में आती है, तो मैसेज प्रॉपरली जाएगा।
बट आप अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, उसको अलग लैंग्वेज आती है, तो मैसेज प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा ना। नेगेटिव मार्किंग का क्या करें सर? नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इशू है। सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है। पहली बात तो आप जब MCQ वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आपके पास आंसर देने के 3 मेथड है। एक मेथड डायरेक्ट मेथड कि आप आंसर कैलकुलेट करोगे और टिक करोगे, जो आइडियली होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मतलब अगर राइट आंसर नहीं है पता है आपको, तो गलत आंसर्स गुम करते जाओ। सीधी सी बात है ना, मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है कि ये क्या है, क्या होगा इसका आंसर, पर जो नहीं हो सकता है मैं वो कट करते जाऊंगा, तो मे बी आपके पास राइट आंसर आ जाए, ठीक है। थर्ड मेथड होता है आपके लिए मैथ्स में, वो होता है रिवर्स कैलकुलेशन। आंसर में से क्वेश्चन ढूंढ रहे, आंसर पकड़ो और उससे क्वेश्चन की तरफ पीछे जाओ, कौन से आंसर से मैं क्वेश्चन तक पहुंच सकता हूँ। ये चीज़ आप मैथ्स में यूज़ कर सकते हो, एको में नहीं। बाकी डायरेक्ट मेथड और डिडक्टिव मेथड आप एको में यूज़ कर सकते हो। आपको पहले तो अपने पेपर को वाइसली अटेम्प्ट करना है। वन ऐसे वाइसली अटेम्प्ट करना है मतलब कैसे? अगर आपने पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, पहले तो जो आंसर में आपको डाउट है वो अटेम्प्ट मत करो। जिनमें डाउट है ना वो अटेम्प्ट मत करो, पहले जो आपको क्लियर कट आ रहे हैं सीधा सीधा वो अटेम्प्ट करते जाओ। अब एक काउंट करो कि वो कितने थे जो आपको प्रॉपरली आ रहे थे। अगर आपके 60 थे वो राइट, जो आप श्योर हो जिन आंसर्स के लिए, अगर वो 60 थे तो सिंपली आप 10 और अटेम्प्ट कर लो, 15 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, जिन पे आपको डाउट था। अब क्या होगा, कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, अज्यूम करते हैं 10 के 10 रॉन्ग हो गए तो भी कितना मार्क्स जाएगा? 2.5 मार्क्स जाएगा। स्टिल आपका 57.5 मार्क्स वो पेपर में रहेगा ही रहेगा। पर ये मैं कब बोल रहा हूँ, जब 60 मेरे राइट है। अब आपको लग रहा है आपके 65 राइट है, 20 अटेम्प्ट करो, जिन पे आपको डाउट था आप 20 अटेम्प्ट करो, 20 के 20 अगर रॉन्ग भी गए तो कितना मार्क्स जाएगा? 5 मार्क्स जाएगा 0.25 के हिसाब से, तो भी आपका वो पेपर में 60 मार्क्स रहेगा। और अगर 70 के ऊपर हैं आपके राइट, 70 या 70 के ऊपर राइट है, सारे अटेम्प्ट कर दो। अगर 30 के 30 रॉन्ग गए तो भी कितना मार्क्स हम लोगों का जाएगा? 7.5। 70 में से 7.5 जाएगा, 62.5 आपके पास फिर भी रहेगा। पर अगर अब मेरे 60 से कम है जो मैंने करेक्ट किए, सपोज 57 है, 55 है, तो ये रिकमेंडेशन है कि दूसरे पे डाउटफुल अटेम्प्ट मत करो। तो अब आपके लिए चैलेंज ये हो जाता है कि आपको 60 तक उसको राइट लेके जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको 60 आंसर्स राइट टिक करने पड़ेंगे तो आपके पास डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का स्कोप होगा, तो आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा कि ओके आपके 60 राइट हैं तो आप 10 डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। बट अब एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि चलो 10 में से 3 राइट हो गए, 7 रॉन्ग हो गए, तो भी आप सरप्लस में हो, आपको बोनस है वो। 7 पे आपका कितना मार्क्स जाएगा? 1.75। और 3 पे आपको कितना मिला? 3। 1.25 आप प्लस में जाओगे, 61.25 मार्क्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल राजपाल सरल अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।